हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं अध्याय क्लास टेंथ का अध्याय 19वां, जो हमारा बायोलॉजी के टॉपिक का लास्ट लेसन होगा। बायोलॉजी के अध्याय लेसन का जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, ये हमारा इस अध्याय का पार्ट 6 है और हमारे 10th क्लास के बायोलॉजी के कोर्स का लास्ट वीडियो है। आज हमारा बायोलॉजी के जुड़े हुए सभी चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो इस अध्याय में हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जैव विविधता के बारे में, भारत की जैव विविधता, विश्व की जैव विविधता, जैव विविधता के स्तर के बारे में अपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर जैव विविधता के संकट के बारे में अपन ने कल पढ़ा और आज अपन पढ़ेंगे, जैव विविधता के संरक्षण के जो उपाय किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण के उपाय कह सकते हैं अपन, या प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं जैव विविधता को बचाने के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश, पूरे विश्व स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। विश्व स्तर पर पहला प्रयास, जो विश्व स्तर पर पहला प्रयास जिसके बारे में अपन अच्छे से जानते हैं, IUCN, जिसके बारे में हम प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण, हमारा जो 14वां या पांच जो अध्याय था जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है, इसके बारे में उस अध्याय में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो IUCN में क्या होता है, इंटरनेशनल, पूरा नाम यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में अपन पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसके बारे में अपन ने, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1968 के अंदर। कब हुआ था, 1968 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, ये विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियों का निरीक्षण करती हैं और उनका जानकारी प्राप्त करती हैं। वो जानकारी प्राप्त कर एक पुस्तक है इनकी जिसका नाम है लाल आंकड़ा पुस्तक। कौन सी पुस्तक, लाल आंकड़ा पुस्तक या जिसे रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ये लाल आंकड़ा पुस्तक या रेड डाटा बुक में इनको उन सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में विवरण लिखा जाता है। इन लाल डाटा आंकड़ा पुस्तक के आधार पर
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियों को 5 भागों में बांटा है। पहला है विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां अर्थात तो जो प्राचीन समय में उपस्थिति थी यहां पर विश्व पृथ्वी पर उपस्थित थी, लेकिन आज के समय में उनका कोई भी प्रतिनिधि आज वर्तमान में उपस्थित नहीं है, अर्थात आज के समय में वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या जंतु हो, विलुप्त प्रजातियां कहलाते हैं, जैसे डायनासोर को ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा है संकट ग्रस्त प्रजातियां, संकट ग्रस्त प्रजातियों के बारे में, संकट ग्रस्त प्रजातियां। तीसरा है अति संवेदनशील प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब है कि वे प्रजातियां जो अभी वर्तमान में मौजूद तो है लेकिन बहुत ही कम संख्या में बच गई है, बहुत ही कम संख्या में बच गई है, और अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया, उन जीव जंतु पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में वो भी किसमें आ जाएंगे, विलुप्त प्रजातियों में शामिल हो जाएंगे। फिर अति संवेदनशील प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो किसी भी समय विलुप्त होने की कगार पर हैं, अर्थात उनके गिने चुने कुछ एक प्रतिनिधि ही बचे हैं जो कभी भी क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। चौथी चीज, चौथा जो प्रकार है वो है दुर्लभ या स्थानबद्ध भी कहते हैं इनको। दुर्लभ और स्थानबद्ध के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बताया था मैंने कि दुर्लभ या स्थानबद्ध प्रजातियां वे हैं जो बहुत ही, वे सभी पेड़ पौधों जीव जंतुओं की वे सभी प्रजातियां जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन मिलती कहाँ है, कुछ एक निश्चित स्थानों पर ही मिलती हैं, हर एक जगह हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगेय डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी में ही पाई जाती है और कहीं दूसरी नदियों में नहीं पाई जाती है, वो एक दुर्लभ और स्थानबद्ध प्रजाति, वो एक ही जगह पाई जाती है, हर एक जगह नहीं पाई जाती है। और पांचवी और आखिरी है वो है अपर्याप्त ज्ञात, अपर्याप्त ज्ञात का मतलब वे सभी प्रजातियां जो जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को, मानव को नॉलेज ही नहीं है, कुछ जानकारी ही उन्हें प्राप्त नहीं है कि वो जीव कैसे हैं, क्या दिखते हैं, यानी उनके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त ही नहीं है, ठीक है। जैसे अपन ने एक लाइन पहले ही पढ़ी थी कि विश्व की जीव विविधता के बारे में, कि विश्व में लगभग 50 से 300 प्रकार की, 50 से 300 लाख की प्रजातियां मौजूद है पेड़ पौधों और जंतुओं की, लेकिन मनुष्य को 20 से 50 लाख प्रजातियों का ही ज्ञान है, बाकी यानी आधी भी प्रजातियों का अभी मनुष्य को, भारत के वैज्ञानिक, सॉरी दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक को ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो ये था IUCN के बारे में जिसमें अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिर दूसरा इनका अंतरराष्ट्रीय जो प्रयास है वो एक संधि के बारे में है, संधि की गई थी जिस संधि का नाम है जैव विविधता संधि, जैव विविधता संधि, जैव विविधता संधि जो 1992 में एक स्थान रियो
डी जेनेरियो नामक स्थान पर, रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर के गई, ठीक है। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश इस संधि में 193 देशों की स्वीकृति, यानी वो इस संधि का पालन कर रहे हैं, इस संधि में निर्मित जो भी नियम है उन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और ऐसे इस संधि में जुड़े हैं लगभग पूरी दुनिया के 193 जो देश हैं वो इस संधि से जुड़े हैं और इस संधि में बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। इन संधि के अनुसार ये है कि इस संधि से क्या होता है, इस संधि से एक सौ 193 जो देश हैं इस संधि के अनुसार वो क्या करेंगे, वो अपने अपने देश की जैव विविधता को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, बनाए गए नियम कानूनों का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे। अब अपन राष्ट्रीय प्रयासों की बात करते हैं। एक देश स्तर पर भारत अपने देश में, हमारे देश में क्या कर रहा है जैव विविधता को बचाने के लिए, भारत अपने देश में क्या कर रहा है। भारत हमारे देश में क्या कर रहा है, तो भारत ने पहली चीज की है, देखिए जो जैव विविधता संधि हुई थी 1993 में, उसको ध्यान में रखते हुए भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 का निर्माण किया, ठीक है। जैव विविधता एक्ट पहला भारत का जो जैव विविधता एक्ट या कानून बनाया गया 2002, ठीक है। ये कब बनाया गया, 2002 में बनाया गया, जो 1993 में जैव विविधता संधि हुई थी उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखते हुए संधि के आधार पर भारत में भी कुछ, क्योंकि वो संधि ही ऐसी की गई थी कि उसमें 193 देशों को अपने अपने देशों में क्या करना है, जो भी अपने जिन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है उस संधि को, उन सभी देशों को अपने अपने देश में जैव विविधता संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। उसी आधार पर भारत ने हमारे देश में क्या किया, जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया, ठीक है। देख जैव विविधता संधि को ध्यान में रखते हुए, जैव विविधता संधि को ध्यान में रखते हुए भारत की केंद्र सरकार ने 2002 में क्या किया, देखो 2002 में 2002 में भारत सरकार ने जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया, 2002 बनाया, यानी
भारत ने जैव विविधता संधि के तहत अपने हमारे देश में जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम था 2002 में बनाया, उसका नाम भी जैव विविधता एक 2002 था, जिसका जिसके निम्न उद्देश्य थे। इस एक्ट के इस कानून बनाने के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। पहला था कि जैव विविधता को संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना पहला ही यह पहला लाभ सॉरी पहला उद्देश्य यही था। जो जैव विविधता संधि का भी उद्देश्य था कि जैव विविधता संधि का जो उद्देश्य था कि जैव विविधता का संरक्षण करना, वो पहला उद्देश्य भारत के भी इस एक्ट का था। दूसरी चीज जैव विविधता का दूसरा जो उद्देश्य था, जैव विविधता का इस प्रकार उपयोग करना कि जैव विविधता लंबे समय तक चले। जैव विविधता का इस प्रकार उपयोग करना प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वो क्या हो, लंबे स्तर तक चले, लंबे समय तक व्यक्तियों के लंबी पीढ़ियों तक ये हमारे काम में आया। लंबे स्तर तक कब चलेगी, जब उसका संरक्षण होगा, वो बची रहेगी, जैव विविधता बची रहेगी, तभी तो वो आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। ठीक है, तीसरा उद्देश्य बताया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का सभी क्षेत्रों में समान वितरण। जैव विविधता संधि को ध्यान में रखते हुए भारत की केंद्र सरकार ने 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया, जिसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। पहला उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, पहला उद्देश्य यही है कि हमें जहां तक हो सके जैव विविधता को बचाना है। दूसरा उद्देश्य था जैव विविधता का इस प्रकार से उपयोग करना, लेकिन बचाने का मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उनका उपयोग ही नहीं करें, लेकिन हम उपयोग इस तरीके से करें कि हमारे आवश्यकता भी पूरी हो जाए और वो आने वाले समय के लिए वो बची भी रह जाए, जैव विविधता बची भी रह जाए। तो फिर तीसरा उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का सभी क्षेत्रों में समान वितरण होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो भी हमें लाभ हो रहा है, उन लाभ का सभी क्षेत्रों में समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने प्राकृतिक कोई भी अगर संस्था या प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग कर रही है, उसे जो भी लाभ हो रहा है वो सिर्फ अपने क्षेत्र में दे रही है, बाकी क्षेत्र वाले क्या करेंगे, फिर इससे वंचित रह जाएंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी आवश्यकता के लिए उन्हीं लाभ को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार की जैव विविधता को फिर से काम में लेंगे, जिससे दो बार जैव विविधता काम में आ जाएगी और पेड़ पौधे जीव जंतु काम में आएंगे, उनकी संख्या निरंतर कम होती जाएगी। तो वो संरक्षण तो होगा नहीं, वो तो उल्टा दोहन ही होगा। तो ये था हमारा पहला जैव विविधता एक्ट का जो प्रयास होता है। ठीक है, अगला है अब जैव विविधता एक्ट को भारत में तीन स्तर पर संचालित किया गया। इस जैव विविधता एक्ट को भारत में तीन स्तर पर संचालित किया गया। जैव विविधता एक्ट 2002 को मैं
त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है, त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, इस एक इस कानून के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कमेटियां बनाई गई, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी जो पूरे देश की जैव विविधता पर कार्य करेगी वो थी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी, ठीक है। राज्य स्तर पर जैव विविधता, राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, जो राज्य प्रत्येक राज्य की जैव विविधता के बारे में निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस एक्ट का, इस जैव विविधता एक्ट जो कानून बनाया गया है वो उस राज्य में उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और स्थानीय स्तर पर, इसके बाद स्थानीय स्तर पर यानी जिला स्तर पर, गांव के कस्बों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियों का, जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया गया, जो ये सुनिश्चित करे कि उस जिले में, उस जिले के प्रत्येक गांव में, कस्बे में जैव विविधता का दोहन तो नहीं हो रहा है, जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस जैव विविधता एक्ट के तहत बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे जो राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं भारत में जैव विविधता को बचाने के लिए, एक नोट लिखिए, इंपोर्टेंट नोट, कि भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता को के कानूनों को एक ही दायरे में लाने के लिए वर्ष 2010 में यानी 2 जून 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ। क्या हुआ? भारत में पर्यावरण, जल, वायु, जैव विविधता के कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्या हुआ, गठन हुआ था। अर्थात हमारे देश में 2010 से पहले क्या था, 2010 से पहले ये था कि हमारे देश में जो भी इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण के लिए अलग कानून था, जल प्रदूषण के लिए अलग अलग कानून थे, वायु, लेकिन ये सभी एक चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर कर रही थी। तो 2 जून 2010 को भारत ने हरित प्राधिकरण का गठन किया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया और उनके लिए उस एक ही संस्था द्वारा इन सबके लिए कानून बनाए जाने लगे, सबके लिए अलग अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। तो सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो वो था 2 जून 2010।
अब जैव विविधता संरक्षण के ये सब प्रयास थे, लेकिन जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, जैव विविधता संरक्षण के जो प्रकार थे वो प्रकार क्या है? ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार के बारे में, तो जैव विविधता संरक्षण के दो प्रकार है, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, इनके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। ठीक है, दो प्रकार से जैव विविधता के संरक्षण के प्रकार बताए गए हैं। एक है स्वस्थाने संरक्षण और एक है बहिस्थाने परीक्षण, सॉरी बहिस्थाने संरक्षण। ठीक है, ये कुछ एक चीजें हैं, दो प्रकार से हैं, बहुत ही इजी है। स्वस्थाने का मतलब क्या होता है कि जैव विविधता जो भी जिन जैव विविधता जिन प्रजातियों को संरक्षण की जरूरत है वो प्राकृतिक क्षेत्र में, वो जिन प्राकृतिक क्षेत्र में उग रहे हैं या जीव जंतु हैं तो रह रहे हैं उन्हीं प्राकृतिक क्षेत्र में को क्या कर दे, उनको संरक्षण दे दे, उस क्षेत्र को उनके प्राकृतिक आवास को क्या कर दे, संरक्षित घोषित कर दे। ठीक है, और उन्हें वही संरक्षित कर दे, उनके चारों तरफ बॉर्डर निकाल के या उन क्षेत्र को सीज करके उन पर प्रतिबंध लगा के कि यहाँ पर शिकार करना कटाई करना सख्त मना है। और बहिर्स्थाने, जो बहिर्स्थाने संरक्षण का मतलब होता है उन संकटग्रस्त जैव विविधता वाली प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर क्या करना, किसी कृत्रिम प्रयोगशाला में लाकर या अभ्यारण्य में इनमें सुरक्षित करना। ठीक है, देखिए संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना क्या कहलाता है, स्वस्थाने परीक्षण संरक्षण कहलाता है। पहली चीज तो संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में क्या किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, उनकी उनमें उनके प्राकृतिक क्षेत्रों में कटाई पर, वनों की कटाई, चराई, पेड़ पौधों तो जीव जंतुओं की चराई, जीव जंतुओं के शिकार पर क्या हो, रोक लगा दी जाए। बहिर्स्थाने संरक्षण में क्या होता है, संकटग्रस्त प्रजातियों का उनके को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम आवास या प्रयोगशाला में उनका संरक्षण करना। ये चीजें संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम आवास या प्रयोगशाला में उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है, बहिर्स्थाने संरक्षण, बहिर्स्थाने संरक्षण कहलाता है। तो ये हमारे क्लास 10 के जो बायोलॉजी के टॉपिक थे, जो चैप्टर थे, वो आज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लगभग 40 से वीडियो में अपन ने क्लास 10 के इस बार के जो चैप्टर थे, जैसे पहला अध्याय मानव स्वास्थ्य एवं भोजन, दूसरा मानव तंत्र, तीसरा अनुवांशिकी, चौथा
चौथा जो प्रकृति प्रतिरक्षा का था, उसके बाद पांचवा सॉरी उसके बाद अपना बारहवा अध्याय, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए। फिर चौदहवा अध्याय जीव विविधता का महत्व, सॉरी पादपों जंतुओं का महत्व, उसके बाद पृथ्वी की संरचना, और उसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में, और फिर ये अध्याय 19 जीव विविधता का संरक्षण, ठीक है, उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इन क्लासों में, जो भी विज्ञान की क्लासों में बायोलॉजी की क्लासें आप लोगों की दी हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया है, और आपके लिए वो उपयोगी होगा, और आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है इस बार के लिए, टाइम टेबल आपका निकल चुका है, ठीक है, तो अब जम के बस लग जाइए, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, 2 महीने का टाइम है बस, ये 2 महीने आप अपने स्टडी को, अपने अपने पढ़ाई को दे, ताकि हमें लेकर, आपको लेकर जो आपके माँ बाप के सपने हैं, आपके खुद के सपने हैं, उनको आप पूरा कर सकें, ठीक है। बोर्ड क्लास है, टाइम बहुत कम मिला, फिर भी उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये सभी टॉपिक्स, सभी लेसन्स आपके लिए उपयोगी होंगे, और इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भी पढ़ाए हैं सब कुछ समझ में आया होगा। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुआ करूंगा कि आप सभी अच्छे अच्छे परसेंटेज मार्क्स के साथ पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, और अपने स्कूल का, टीचर्स का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।